हाँ तो भैया, हम संदीप कुमार एक बार फिर अपने सभी दर्शकों का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करूंगा उन लड़कों के बारे में या उन लड़कियों के बारे में जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं और जो उन्हें प्यार में धोखा मिल जाता है तो वे क्या करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो भैया, आजकल के नौजवान लड़कों के सिर पर प्यार का भूत किस प्रकार से चढ़ा होता है पूछिए ही मत। मुश्किल की बात तो यह है कि दर्द, बुखार, जुखाम, खांसी, खुर्रा की तो दवा मिल जाती है, लेकिन प्यार की दवाई नहीं मिलती। इसकी दवाई वहीं मिलती है जहां से ये बीमारी शुरू होती है। इसी प्यार, इश्क और मोहब्बत की जो बीमारी है, इस पर हमारे केसारी लाल भैया ने एक गाना गाया है कि हम इश्क हूं बुखार नहीं, कि हम इश्क हूं बुखार नहीं जो दवा खाने से उतर जाए। और इसका सबसे बड़ा अड्डा तो फेसबुक है भैया, फेसबुक। या कोई कोई तो अपनी इलाज दारू से भी करते हैं। अब पता नहीं इससे ठीक हुए या फिर और इसका एक इलाज और भी है कि अगर सही समय से उस शख्स की कुटाई कर दी जाए तो भी ठीक हो सकता है, आजमा के देखना। अगर कोई फेसबुक यूजर फेसबुक चला रहा है, फोटो देखता गया और अचानक से किसी सुंदर लड़की का फोटो आ गया उसके सामने, सुंदर है, स्माइल के साथ फोटो है और साइज की भी है, तो एक मिनट की देरी लगाए बिना भी वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता। और भैया, लड़कियां भी कम नहीं हैं, लड़कों पे बहुत सितम ढा रही हैं। सुंदर तो है ही, अपना फोटो फेसबुक पर डालती हैं और अपना मोबाइल नंबर भी देने लगे हैं, वो भी व्हाट्सएप वाला, और एक लाइन में लिख देती हैं कि इस समय से लेकर के इस समय तक मैं फ्री हूं, अगर कोई बात करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन उसकी एज 12 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अब बताओ भैया, अगर एक लड़का किसी लड़की की तलाश में है और वो लड़की खुद फोन नंबर दे रही है, समय बता रही है, सुंदर भी है, तो लड़का काहे ना रिक्वेस्ट भेजी। इसलिए कहता हूं कि सबसे ज्यादा प्यार का अड्डा फेसबुक है। अब जब दोनों की दोस्ती हो जाती है, एक हफ्ता दो हफ्ता बातें करते करते बीत जाते हैं, तब उस लड़के पे क्या बीतती है, हर समय उसी लड़के के बारे में सोचता रहना, पढ़ाई करना लेकिन उसी का ख्याल आना, खाना खाना लेकिन उसी लड़के के बारे में ख्याल आना, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता। ये क्या है, प्यार है। कदर उस लड़के पर, उस लड़की का प्यार का थोर चढ़ जाता है। दोस्तों, इतना कुछ सुनने के बाद उस लड़के के ऊपर क्या बीतती होगी, इतना प्यार और इतना खर्चा, इतना टाइम बर्बाद करने के उपरांत उसको ये सुनने को मिला, उस पर क्या बीतती होगी। अगर उसकी जगह पे आप होते तो क्या करते, कमेंट में जरूर बताना। इसलिए कहता हूँ कि प्यार का सबसे बड़ा अड्डा फेसबुक है। हाँ तो भैया, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। हम मिलेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हाँ, फेसबुक लव से दूर रहना। बाय बाय।